मैंने तो चुनाव लड़ना है, मुझे कोई कन्फ्यूज कर उसकी तो कोई बातें नहीं है। मैंने पहले भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, मैंने तो पहले भी इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ा था और मैंने तो बीजेपी को समर्थन दिया है। मैंने तो पहले भी इंडिपेंडेंट लड़ा और अब की बार भी इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ूंगा। हमने आपके सिर पे आम आदमी पार्टी की टोपी देखी थी। हाँ, मैंने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी थी, लेकिन उसके बाद मैं सारे दो दिन पहनी होगी, मुझे क्या लेना था। मुझे तो जनता से चुनाव लड़ना, जनता की वोटों से चुनाव लड़ना है और पार्टियों से हमने देख लिया, पार्टियों से क्या चुनाव, पार्टी कोई MLA थोड़ा कर रही है। ये तो जनता ने बटन दबाना, जनता ने के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से, मेरे भाई, मेरे चाचा, ताऊ, मेरी माताएं बहनें, उनके आशीर्वाद से MLA बनना। हमने तो द्वार के लिए फ्री सेवा में बसें चला रखी हैं, हर रोज जाती है, हमारी खाना पीना रहना सोना सब हमारा है, उससे कोई वो नहीं है। मतलब जो आदमी जाते हैं, जो मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई, काका, ताऊ, जो भी जाता है, किसी को वहाँ रहने की, सोने की, खाने की किसी की कोई चिंता नहीं है। गंगा मैया का स्नान कराते हैं, गंगा मैया में गोते लगवाते हैं और एम्बुलेंसें भी हैं, पानी के टैंकर भी हैं और चूड़ियों की दुकान भी खुलवाने लग रहे, खुल भी ली कई दुकानें। और ये तो जनता की सेवा करना तो काम है, वो जनता की सेवा करना तो मन है, वही जनता की सेवा करनी है। आपने कई पार्टियों में जाकर देखा, क्या मज़ा नहीं आया? आपने बाद में यही लगा कि आज़ाद उम्मीदवार ही सही है? क्योंकि पार्टियों के बारे में हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी में भी आपने समर्थन किया, आम आदमी पार्टी में भी गए, आप कहीं ना कहीं मन में रहा होगा कि जनता के मन में कैसे उतरे, पार्टियों के मन में तो नहीं उतर पाए आप, क्योंकि पार्टियों में आप रहकर चुनाव नहीं लड़ पाए और अभी भी आप जैसा हमें लग रहा है कि वो आज़ाद उम्मीदवार ही मैदान में उतरेंगे। देखो, मुझे पार्टियों से तो, मैं तो पहले भी नहीं पार्टियों के पास गया, किसी के पास ना मैं गया। और हमने क्या, हमने तो चुनाव लड़ना, जिसकी सरकार आओगी पावर में रहेंगे, हमने क्या लेना। मान लो अगर हुड्डा साहब की सरकार आओगी तो कांग्रेस में जाऊंगे, भाई बीजेपी की आओगी बीजेपी में जाऊंगे, जिसकी सरकार आओगी, क्योंकि काम तभी होंगे जब सरकार के साथ रहेंगे हम। अगर सरकार के साथ नहीं रहेंगे, हमने पार्टी से चुनाव लड़ लिया किसी से और उसकी सरकार नहीं आई तो करेंगे क्या। ये मतलब समर्थन तो आप करेंगे किसी न किसी को, समर्थन तो सरकार जिसकी आएगी उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा, उसके साथ रहेंगे। हमने कोई परहेज थोड़ा है, भाई कल को मान लो कांग्रेस की सरकार आती है, हमने हुड्डा साहब के पास जाने में कोई इतराज़ थोड़ा है, अगर भाई हम हुड्डा साहब के पास नहीं जाएंगे, या बीजेपी की आएगी हम उनके साथ, हमने तो सरकार में रहना है जो सरकार आएगी। तो कभी मुझे ना तो कोई बीजेपी ज्वाइन करी, मैं तो समर्थन तो रहा, ना मैं कांग्रेस में रहा, मुझे क्या लेना। मैंने तो लोगों को काम करने से मतलब है, भाई जनता का काम जो मेरे को आशीर्वाद दे होंगे, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, तो मैंने तो उनके काम करने से मतलब है। और काम तब होंगे जिसकी सरकार होगी, हम उसमें रहूँगे। ज़्यादा पैसा दिया था तो उसी टाइम का पैसा आज भी चल रहा है। और मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कोई मुख्यमंत्री जी में कोई कमी थी या वो थी, ठीक है भाई, नहीं हमने चुनाव लड़ा, अब की बार हम चुनाव लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे चुनाव, हमने उस बात से कुछ नहीं लेना कोई पार्टी से उससे। हमने तो लोगों के प्यार से, लोगों ने आशीर्वाद देना है, लोगों ने जो प्यार मेरे को देते हैं लोग, आप हमारे हल्के में घूम के देख लो, ये जो पार्टियां होती हैं ना, ये तो पार्टियां की वोट होती हैं, जो पार्टियां की बात करते हो अपनी पीपी खुद रख के देख लो कोई, उन्हें पता लग जाए अपनी लोकप्रियता का। उसका हम तो अपनी लोकप्रियता से, अपने आशीर्वाद से, अपने बड़े बुढ़ों के आशीर्वाद से चुनाव लड़ते हैं। ये जनता है, मेरी गरीब जनता है, जो मेरे काका ताऊ हैं, जो भी हैं, तो हम तो उनके आशीर्वाद से अपनी पीपी रखवाते हैं भाई, उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। काम ही क्या नहीं कराया, काम ही हमारे तो हल्के में 100 साल पहले भी काम नहीं हुए होंगे जो हमने कराए। वो तो आप पत्रकार हो, आप घूम के देखो एक बार हल्के में, आपको लोग बताएंगे भाई रविंदर ने ये चपाट रविंदर ने बनवाई, ये गलियां रविंदर ने बनवाई है, ये नेस्ले वाला रोड रविंदर ने बनवाया है भाई, ये हॉस्पिटल रविंदर ने उकराया है भाई। आप घूम के देखो एक बार हल्के में, कितने रोड, सड़कें, पानी, स्कूल कितने बनवाए हैं, बिजली के पावर हाउस, ये मनाना लगाया, गड्डी छाजू लगाया, ये सब आप बहुत बहुत काम करा रखे हैं। लेकिन क्या है, अके आम पार्टी से नहीं, वो जो लोग कहते हैं ना वो पार्टी से बात कर रहे हैं, वो जब अपनी पीपी रखेंगे ना, जब लोग बताओगे कितनी लोकप्रियता है क्या है उस बात को, तो मैं तो लोगों की लोकप्रियता से और लोगों के आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं तो लोगों के आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ूंगा। आदमी के दिमाग, उसको कोई किसी तरीके से आप समझो, अगर आपकी आँखें हैं, हमारी एक माँ है, उसको आँखों से माँ के रूप में देखोगे माँ दिखेगी, उसको भाभी के रूप में देखोगे भाभी दिखेगी, उसको बहन के रूप में देखोगे बहन दिखेगी, उसको औरत के लुगाई के रूप में देखोगे ये आँखें, जैसा आप देखोगे जैसा सोचोगे उसी, उसमें जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसी ही सोच का बात करेगा।
भाई एक भावना है या सेवा है, जो चीज़ है, जो जैसा सोचेगा वो उसी के लिए वो नहीं था जी। हम MLA बनाए जनता ने, 100 बेड का हॉस्पिटल बना, 100 बेड का हॉस्पिटल आपने भी पता होगा, बिल्कुल पता है ना जी। तो जब हॉस्पिटल ही हमारे यहाँ बन गया, पानीपत कितना बड़ा हॉस्पिटल बन गया, नू देखो जो खानपुर उससे भी दुगुना बनाया मुख्यमंत्री जी ने, हमारे ने मनोहर लाल जी ने दुगुना बड़ा हॉस्पिटल बनाया। तो जब हॉस्पिटल ही इतना बड़ा बना दिया तो वहाँ बसें क्या करने जाती थी? मैंने आपको यही बात तो समझाई अभी, ये तो लोगों की सोच और परिवर्तन की ज़रूरत है। तो ये कहता हूँ बगैर काम के भी कुछ नहीं है, बिजनेस भी होना चाहिए। जब आदमी के पास बिजनेस ही नहीं होगा तो क्या करेगा वो? लेकिन उसके पास पहले घर से ही बिजनेस होना चाहिए ना। इब हम कोई आज तो बिजनेस नहीं लगे करने, हमारा तो मुर्गे पालन का काम है, हम तो मुर्गे का काम कर रहे हैं। हमारा ऐसा तो नहीं है कोई हमारी फैक्ट्रियां हैं हमारा होगा, हमारा तो छोटा मोटा काम है अपना, जो कर रहे हैं कर रहे हैं। और वो भी अब तो बेटा देखा है, वो भी मैं नहीं देख रहा अब, हम तो फ्री हैं दोनों भाई, हम तो इसी काम पर हैं। तो काम क्या, आदमी को पानी की, हॉस्पिटल की, स्कूल की, ये व्यवस्था चाहिए। और रही बात जाट की रूस की जो आप बात कर रहे हैं, जाट ठीक है मैं मानता हूँ यहाँ से जाट MLA नहीं बना, लेकिन ऐसा नहीं है कि समालखा हल्का कोई इस तरह का है, पूरे हरियाणा में मैं तो सबसे अच्छा हल्का समालखे को मानता हूँ। क्योंकि जो प्यार यहाँ लोग देते हैं ना, जो आशीर्वाद देते हैं, इससे हल्का, इससे अच्छा हल्का और कौन सा है समालखे से हल्का अच्छा। और मैं फिर कहता हूँ आपको, अब की बार फिर देख लेना आप, यहाँ से जाट भी बनेगा, आज़ाद भी बनेगा। ये लोगों का आशीर्वाद और लोगों का प्यार है, ये मैं आपको आज ही बता रहा हूँ इस बात को, आप भी देख लेना इस बात को। सिंह जी हमारे MLA हैं समालखा से, और उसका गांव, अपना गांव तो शायद उसका हल्के से बाहर है, लेकिन वो चुलकाना बताते हैं। आप चुलकाना जाके एक बार पता कर लो उसका क्या हाल है गांव का, ये पता कर लो। वहाँ चुलकाना हल्के के गांव में सड़कें, वहाँ देखो कितना श्रद्धालु जाता है, वहाँ लाइन लगी रहती है, वहाँ सड़क नहीं है वहाँ के लिए, कुछ भी नहीं हो तो सरपंच है वहाँ सतीश, जब सरपंच बन रहा है बेचारा, वो काफ़ी मेहनत करता है वहाँ, काफ़ी लोगों से करके अफसरों के पास घूम गए, अभी उन्हें रोड सड़क सुड़क का काम करवाया, क्या करवाया है सरपंच ने, लोग बता रहे थे मेरे को, अब भाई सतीश सरपंच काम करवा रहा है बेचारा, बहुत अच्छा आदमी है। कोई सड़कों को लेकर भी प्रोटेस्ट हो रहा और तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ चुलकाना वाले काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे। धर्म सिंह ठोकर को वहाँ बुलाकर उनके साथ जो है उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की थी। अभी देखो मैं तो फिर कहता हूँ, देखो भैया MLA हो फिलहाल का, मौके का MLA है, और जिम्मेवारी MLA की ही बनती है, और लोग किसको बोलेंगे, और हमारे को थोड़ा बोलेंगे, हम MLA थोड़ा हैं। हमारे टाइम में कोई सड़क रोड जा पता कर लो, उस टाइम की पता कर लो आप, चुलकाने में पता कर लो, जो काम की बात करें ना, चुलकाने में धनका वाली चपाड़ हैं, वो शमशान हैं, सैनियों वाली चपाड़ हैं, वाल्मीकि हैं, जो भी गलियाँ हैं, स्कूल हैं, कितना पैसा दिया होगा हमने, उस टाइम भी बहुत पैसा दिया था, चुलकाने के अंदर भी बहुत काम कराए थे। और ये तो एक साल की बात रह रही है, अभी 1.25 साल बच रहा होगा चुनाव में, जी जी। फिर देख लेना, हमने तो चुलकाने में मैं तो कहने लग रहा हूँ सबको, मैंने तो सतीश सरपंच को भी फ़ोन करके कहा था, भाई कोई बात नहीं, 1.25 साल काट लो, फिर चमका देंगे ना, फिर भगवान की दया से। अरे ऐसा श्याम बाबा मंदिर है यहाँ, यहाँ इतने श्रद्धालु, इतने लोग आते हैं, तो अगर उसी गाँव की हालात ख़राब है तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है। घूमता हूँ, इतना ही पहले घूमता था। तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? लग रहा है लोग आपके हित में हैं, लोग आपके लिए सेवा कर रहे हैं, आपके लिए प्रचार कर रहे हैं। देखो आप मीडिया के भाई हो, अपने कहना तो अपने जबान से कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। आप घूमो हल्के में, लोग बताएंगे आपको क्या है क्या नहीं। अभी तो समय भी बहुत पड़ा है, ये भी नहीं है कोई समय भी कल है, अभी तो 1.25 साल तो पड़ा ही है। तो आप घूम कर देख लो, पता कर लो एक बार उनको, भाई क्या है क्या नहीं है, लोग बताएंगे। तो मेरे कहने से क्या,